से पहले वो लोग चिल्ला कर दिखाएंगे जिन्हें लगता है कि प्रणव जी लकी है जिन्हें शिखा जी जैसी लाइफ पार्टनर मिली है, वो लोग जोधा चिल्ला कर दिखाएंगे प्लीज। वो लोग जोधा चिल्ला कर दिखाएंगे जिन्हें लगता है कि शिखा जी लकी है जिन्हें प्रणव जैसे लाइफ पार्टनर मिले हैं। दोनों का साउंड इक्वल है, हमारी ब्राइड ने भी एक्सेप्ट किया। हाँ दोनों इक्वल है। ओके सो आगे बढ़ने से पहले मुझे ये बताएं कि भैया आपकी कोर्टशिप को कितना टाइम हो गया है? 10-15 आपकी जब तक लाइक रोका या एंगेजमेंट से आज तक का टाइम कितना आपने साथ में स्पेंड किया? 5 to 6 ईयर ईयर मंथ्स ओके। सो इन 5 और 6 मंथ में आपने जो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया है उसमें आप दोनों ने एक दूसरे को कितना जाना है और कितना समझा है ये आप लोग तो जानते हैं, लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं कि आपने क्या किया है इन 5 to 6 मंथ में। तो अब हम वो जानेंगे, हम एक गेम यहाँ पर खिलवाएंगे हमारे ब्राइड एंड ग्रूम से और उसके थ्रू आप जानेंगे कि इन्होंने एक दूसरे को इस कोर्टशिप के टाइम में कितना जाना है और कितना समझा है। सो आप यहीं खड़े रहे, हम एक सेकंड कुछ अरेंजमेंट करते हैं। यहाँ पर होंगी 2 चेयर्स और एक चेयर पे बैठेंगे हमारे ब्राइड और एक चेयर पे बैठेंगे हमारी ग्रूम और दोनों को बैठना है अपोजिट साइड, थोड़ा सा हम सेंटर में आ जाएंगे। ओके ऑल सेट, आप दोनों बैठ सकते हैं अपोजिट साइड। और इस गेम के कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, वो ये हैं कि हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें क्वेश्चन के अंदर आपकी कुछ क्वालिटीज़ होगी, वो क्वालिटीज़ यदि ग्रूम में मीन्स प्रणव जी में होती हैं तो वो प्रणव जी वाला जो इंडिकेशन जो हम इनको देंगे वो ऊपर करना है, और यदि वो क्वालिटी यदि हमारे शिखा जी में होती है तो वो अपना हैंड ऊँचा करेंगी। हालांकि दोनों के हाथ में दोनों के रहेंगे हिम और हर, जो क्वालिटी जिसमें है उसे वे ऊपर करके बताएंगे और जितने पॉइंट्स जितने आंसर्स मैच होंगे उतना हम समझेंगे कि आपने कितना ज़्यादा एक दूसरे को समझा है और जाना है। तो चलते हैं हमारे गेम की ओर और ये रहा आपका हिम और ये रहा आपका हर। अब करना ये है जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आपको अपने हैंड सूचे करना है और चीटिंग अलाउड नहीं है, दोनों एक दूसरे को देखेंगे नहीं और अपने अपने मन से अपने अपनी समझ से आंसर को आपको ऊपर करना है। ओके सो दिट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आप दोनों में से सबसे ज्यादा फ्रेंड्स किसके हैं? ऑडियंस को शो करना है। नो इट्स रॉन्ग। आप दोनों में से सबसे ज्यादा सोता कौन है? ओहो क्या बात है, दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं। आप दोनों में से सबसे ज्यादा गुस्सा किसे आता है? हाँ ये बात बिल्कुल सही है। ओके और गुस्सा आने के बाद सबसे पहले मनाता कौन है? ऑडियंस की शो करो, ऑडियंस को, ऑडियंस की शो करो। दोनों अपोजिट, दोनों एक दूसरे को मनाते हैं भैया। ओके आप दोनों में से सबसे पहले प्रपोज किसने किया था? क्या बात है, लेडीज फर्स्ट। अच्छा दोनों में से सबसे ज्यादा गॉसिप कौन करता है? एज ऑलवेज लेडीज फर्स्ट। और हमारा सबसे लास्ट और बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन, दोनों में से हनीमून के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड कौन है? कौन है सबसे ज्यादा एक्साइटेड हनीमून के ये लिए? दोनों एक्साइटेड नहीं लग रहे मुझे, दोनों एक्साइटेड है। इधर साइड से आंसर। ओहो क्या बात है, वाकई में इनकी केमिस्ट्री बहुत ही काबिले तारीफ है। बट मुझे एक आंसर इन दोनों का बहुत अच्छा लगा, हालांकि वो हमारे गेम के अकॉर्डिंग रहोंगे बट मेरे अकॉर्डिंग बहुत सही था। वो आंसर था कि एक दूसरे को सबसे जल्दी कौन मनाता है,
तो दोनों ने आंसर अपोजिट दिया, मतलब ये बोल रहे हैं कि ये मनाते हैं, ये बोल रहे थे ये मनाते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, ऐसी केमिस्ट्री हर वाइफ एंड हस्बैंड में होना चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा डांस था आपका, बहुत ही प्यारी जोड़ी है। और चलते हैं हमारे नेक्स्ट परफॉर्मेंस की ओर, जो कि कुछ परफॉर्मेंस हमारे रह चुके हैं और आ रहे हैं हमारे नेक्स्ट परफॉर्मेंस की ओर। ब्राइट साइड से परफॉर्मेंस।